पर अच्छे हैं। चलो भाई, लास्ट क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेन्स का बेसिक्स पढ़ा था बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक तो ये पढ़ा था ए मैन गोज़ टू हिज ऑफिस बाई 7/9 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपने ऑफिस में अपनी यूजुअल स्पीड के 7/9 से जाता है, इतना लेट पहुंचता है। और एक ट्रेन का पढ़ा था, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई। अब दोनों को ऐड कर लिया मैंने। देखो क्या लिखा है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 9 AM टू जयपुर। दिल्ली से चली कहाँ के लिए? जयपुर के लिए। कितने बजे? 9 बजे। 4 घंटे ट्रैवलिंग के बाद ट्रेन में आ गया ब्रेकडाउन, कोई खराबी आ गई। ट्रेन ने स्पीड क्या कर दी अपनी 4 घंटे के बाद? क्या स्पीड होगी ट्रेन की? 5/6। और ये 40 मिनट लेट पहुंची अपने डेस्टिनेशन पर। आज एक दूसरी चीज़ और, पिछली क्लास में बच्चे बोल रहे थे, बैठ के सुनते रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम करोगे, यहीं पर बारी बारी, ठीक है? जैसे ये है अगला सेम ही होगा, एक मेरा एक तुम्हारा। देखो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूजुअल और यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रेजेंट। देखो भाई, इसने बोला अपनी यूजुअल स्पीड का 5/6। हमने पढ़ा अगर आप इसको यूजुअल लिखोगे तो ये कौन सी स्पीड हो जाएगी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ यूजुअल थी 6, तो प्रेजेंट स्पीड कितनी होगी? तो टाइम क्या होगा? 5/4 हमने पढ़ा था। हम रेशियो ले सकते हैं जब डिस्टेंस क्या हो सेम। तो ये कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले रही है? 1 यूनिट। उसने कितना एक्स्ट्रा लिया? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? क्या पूछा? कैलकुलेट द यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द जयपुर। देखो ऐसा मानते हैं, ये दिल्ली और ये जयपुर, ये दिल्ली है और ये जयपुर है। यहाँ से 9 AM पर एक ट्रेन चली, और कितने घंटे चली थी वो? 4 घंटे में यहाँ पहुँच गई। यहाँ से यहाँ तक ये 4 आवर्स में गई। बोलो तो 9 बजने में 4 घंटे और ऐड करोगे तो क्या टाइम हो गया होगा? 1 PM हो गया होगा भाई। 4 घंटे तो चली थी, और 4 घंटे के बाद यहाँ जाकर कोई ब्रेकडाउन हुआ था इसका ना, और ब्रेकडाउन होने की वजह से ये जयपुर जाकर 40 मिनट लेट पहुंची थी। ये था क्वेश्चन। इसने पूछा कैलकुलेट द यूजुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच जयपुर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो यूजुअल टाइम ये निकल के आएगा ना, कितने मिनट आगे? इसको लिख सकते हो 3 आवर्स 20 मिनट्स। बोलो सही है बात। और आज का अगर मैं निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 240 मिनट्स। कितने घंटे लग गए? 3 घंटे 20 मिनट, और 4 घंटे में 40 मिनट का ही तो गैप आया। इसने यूजुअल पूछा, तो यूजुअली अगर ब्रेकडाउन नहीं होते थे तो यहां से यहां जाने में ये यूजुअल टाइम लेती थी कितना? 3 घंटे 20 मिनट। मैं लिख सकता हूँ 3 आवर्स, तो क्या टाइम हो गया होगा? 4:20 पर ये यूजुअली पहुँच जाती थी। अगर पेपर में पूछता यूजुअली किस टाइम पहुँचती थी, तो आप आंसर देते 4:20 पे। अगर वो पहुँचे यूजुअली कितना टाइम लेती थी, तो आप लिखोगे 4+, है ना,
सेवन आवर्स कर दोगे? बोलो, सिंपल था, कोई डाउट है किसी को? वो तो पूछ लो, वरना अगला आपको करना है। अब पेन कॉपी खोल लो अपने, वन टू वन चलेंगे, इसमें डाउट हो पूछ लो। नहीं है? सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स चेंज है। ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए चली 8 बजे, 2 घंटे चलने के बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने की वजह से स्पीड होगी 7/12, उसकी वजह से पहुंची 60 मिनट लेट। तो बता दो यूजुअल टाइम कितना लेती थी? प्रेजेंट भी पूछ सकता है, यूजुअल भी पूछ सकता है, जो भी पूछे आप बता देना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आपको। क्या आया? ग्यारह चौबीस पर पहुंचेगी। हाँ, तो यूजुअल टाइम टेकन यही तो होगा, 84 मिनट और लगेंगे इससे आगे जाने में। तो 84 मिनट, 8 से 10 बजे ब्रेकडाउन हुआ, 2 घंटे आगे, और 10 घंटे अरे वो ले ले यार, तो 11:24 में 3 घंटे ले ले वो। वो जैसा ऑप्शन होगा वैसा हो जाएगा, 11:24 या 3 घंटे 24 मिनट। वो ऐसा हो नहीं सकता ना, ऑप्शन में लिखे 11:24 और 3 घंटे 24 मिनट, वो एक ही चीज़ पूछता है। आया सबका? भाई मैं करा देता हूँ। देखो, ये ट्रेन चली दिल्ली से जयपुर के लिए, दिल्ली है, और ये है कितने बजे चली? 8 AM। 2 घंटे के बाद मैं मान लेता हूँ यहाँ पहुँच गई। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने? कितना टाइम हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर? ब्रेकडाउन हो गया। इसकी वजह से स्पीड क्या होगी इसकी? 7/12 बोला ना, बोलो। ये यूजुअल होगी तो ये क्या हो जाएगी? यूजुअल है 7, तो प्रेजेंट है 12, और ये है हमारी स्पीड, तो इसका उल्टा क्या, इन्वर्स क्या हो जाएगा? टाइम उल्टा लिख दिया ना, स्पीड यूजुअल थी 12 भाई, तो प्रेजेंट होगी 7, टाइम 7, और कितने यूनिट एक्स्ट्रा लगे? 5 यूनिट में, ये हमें पता नहीं अब तक क्या है, पर वहाँ दे दिया टाइम, कितना एक्स्ट्रा लगा? 60 मिनट्स। 5 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यूजुअल कितने यूनिट थे? 84 मिनट आ गया। तो यहाँ से यूजुअली आगे जाने में 84 मिनट और लेती थी। आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 11:24 AM, और टोटल टाइम पूछेगा तो आप लिखोगे 2 घंटे + 3 आवर्स। कर दोगे ऐसा? कोई दिक्कत है? चलो एक और आ गया। ये वैसे कॉन्स्टेबल में तो आएगा नहीं, पिछला तो आ सकता है, पिछले में ऐसी कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। इसमें 2 बार ब्रेकडाउन हो गए। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर चली, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में नहीं आएगा। दिल्ली से जयपुर चली, 7 बजे चली, 6 घंटे चलने के बाद क्या हो गया? ब्रेकडाउन। स्पीड क्या होगी? 2/3। तो लेट कितना हुई? 30 मिनट। फिर कह रहा अगर ये ब्रेकडाउन 50 किलोमीटर आगे हुआ होता, जहां अब हुआ उससे कितने आगे, यानी शुरू से लेकर उस
पॉइंट तक जहाँ 50 किलोमीटर और आगे है, नॉन यूजुअल स्पीड से आती, फिर ब्रेक डाउन होता, फिर स्पीड 2/3 होती, तो ये कितना मिनट लेट होती? सीधी सी बात है, 50 किलोमीटर और यूजुअल से कवर करेगी तो टाइम कम होगा ना लेट होने का। तो उसने पूछा दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस बताओ। चलो देखो, ये है दिल्ली और ये क्या है? जयपुर। समझ लेना, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेम है, अब हमेशा ऐसे ही करया करेंगे। ये यहाँ से 7 AM चली थी ना, देखो क्वेश्चन में 7 AM चली कितने घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 7 AM चली यहाँ से यहाँ तक, 6 घंटे इसको लगे, टाइम क्या हो गया होगा? 1 PM। बोलो, 1 PM पर ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हुआ तो स्पीड होगी 2/3 ऑफ द यूजुअल। तो आपने लिखी यूजुअल और प्रेजेंट, तो 2/3 बोला ना, तो आप इसको यूजुअल लेट करोगे, इसको क्या करोगे? तो यूजुअल इसकी 3 थी तो प्रेजेंट 2 होगी। ये स्पीड का रेशियो आया, टाइम क्या हो जाएगा? कितना मिनट एक्स्ट्रा लगा, कितने मिनट लेट हुई है? 30 मिनट बोला। एक यूनिट की वैल्यू 30 आई तो 2 यूनिट की वैल्यू, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर ये ब्रेक डाउन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर कोई भी ब्रेक डाउन नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये कितना मिनट और लेती? 60 मिनट। यानी मैं कह सकता हूँ ये कितने बजे पहुँच जाती? 2 PM। यहाँ तक कोई डाउट है? पूछ लो, क्लियर है? तो मैं यूजुअल टाइम निकालूँ ट्रेन का, यूजुअल टाइम है 7 से 2 में, यानी कितने घंटे? यूजुअली ट्रेन 7 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच जाती थी। सही यहाँ तक? अब इसने क्या कहा, अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ ना होकर 50 किलोमीटर आगे, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ होता? कहने का मतलब ये, ट्रेन यहाँ से शुरू होती और इस पॉइंट तक अपनी यूजुअल स्पीड से आती, फिर यहाँ ब्रेक डाउन होता और उसके बाद स्पीड डाउन आ जाती 2/3 से। सही है? अब ये 50 किलोमीटर तो यूजुअल स्पीड से कवर हुए होंगे ना, हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? दिल्ली से जयपुर के बीच का। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या है? यूजुअल 7 घंटे, आपको निकालने क्या है? स्पीड। चलो, अब यहाँ आने पर फिर से इसकी स्पीड 2/3 होगी, यानी यूजुअल स्पीड 3 थी तो आज कितनी होगी? ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? आज 2 और यूजुअल 2 और आज प्रेजेंट में कितने यूनिट एक्स्ट्रा लगा? यहाँ से आगे जाने में कितना लेट होती है? ये दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर 50 किलोमीटर आगे होता तो 20 मिनट लेट पहुँचती। और ये बात लाजमी भी है कि भाई आप आगे जाके ब्रेक डाउन करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 20, 2 यूनिट की वैल्यू, ये कौन सा टाइम निकल गया? ये 40 मिनट। ये 40 मिनट ये हैं कि अगर यहाँ भी ब्रेक डाउन नहीं होता तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेती यूजुअली ये? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? पूछ लेना कोई डाउट हो तो। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ख़त्म हो गया है। देखो क्या है, इतना डिस्टेंस अपनी यूजुअल स्पीड से कवर करती है 60 मिनट में, है ना, और ये डिस्टेंस यूजुअल स्पीड से करती है, टाइम का डिफरेंस कितने मिनट आया? यूजुअल टाइम का है, और किलोमीटर कितने कम हुए? 50 यूजुअल से ही तो करे थे, तो 20 मिनट में कितने किलोमीटर कवर हुए? 50 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है? किलोमीटर पर आर, आवर में कितने मिनट होती है? 60 मिनट, 3 गुना है। तो ट्रेन की स्पीड भी क्या है? तो ट्रेन की स्पीड आ गई 150 किलोमीटर। बोलो,
मैंने कंपेयर करा यूजुअल टाइम को और यूजुअल डिस्टेंस को, क्योंकि ये जो 50 किलोमीटर कवर हुए थे यूजुअल स्पीड से हुए थे, यहाँ से यहाँ ना आकर सीधे यहाँ आके रुकती, ब्रेकडाउन यहाँ होते, तो ये तो यूजुअल कवर हुए ना। 60 मिनट ये भी यूजुअल है, 40 मिनट ये भी यूजुअल है, तो गैप कितने मिनट का आया और किलोमीटर कितने कम हुए, तो 20 मिनट में यूजुअली 50 किलोमीटर चलती थी बिना ब्रेकडाउन के, 60 मिनट में कितना चलेगी, ये आ गई इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम यूजुअली कितना लेती थी, तो कितना किलोमीटर है, कोई डाउट है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करोगे, अगला तुम्हारा करो। शांति से क्वेश्चन को पढ़ के करना, हो जाएगा, मैं मानता हूँ कोई भी हो सबसे हो जाना चाहिए। दिल्ली से 7 बजे चली जयपुर, 5 घंटे में पहुंची, 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद ब्रेकडाउन हो गया, स्पीड होगी 4/5, लेट 45 मिनट, 40 किलोमीटर आगे होता तो लेट 30 मिनट, पिछला सॉल्यूशन निकाल के सामने करूं क्या, देख देख के करना हो तो। हो गया कितना, 320, गुड। मैथ में तो लक्षण अच्छे हैं आपके, तो रीजनिंग में भी अच्छे हो जाएंगे। जीएस तो कोई भी कर सकता है, फिर तो नौकरी मिल जानी चाहिए। मेहनत करोगे ना, हो ही नहीं सकता ना मिले, पर ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी भी यहाँ ना बच्चे कम पढ़ते हैं, फितूर नहीं है, नौकरी का फितूर अलग ही होता है। बस सुबह हो तो आंखें सूजी आनी चाहिए, रात भर भी नहीं सोया, लगे रहना। अब तो क्या, ये अभी नवंबर आ जाएगा, दिल्ली पुलिस वालों को तो पता नहीं चलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन फॉर्म आ गए ना उस दिन एग्ज़ाम आ गया है, जिस दिन फॉर्म आ गए हैं उस दिन एग्ज़ाम आ गया है, और इस बात को याद रख लेना। यहाँ खड़ा होकर बताऊँगा, देखो भाई 14 तारीख से पेपर शुरू हो गया है, पता नहीं चलेगा टाइम कितनी जल्दी जाता है। कितनों का है 320, हाथ उठाओ, बाकी कर रहे हो कैलकुलेशन? चलो देखो करा देता हूँ, डिटेल कराऊं या ऐसे सीधा कराऊं, डिटेल करा देता हूं। अरे करा देता हूं, कई बच्चों को समझ में नहीं आता ना कई बार। दिल्ली से जयपुर ही जाएगी भाई अपनी ट्रेन तो, हमेशा दिल्ली से जयपुर। कितने बजे चली, 7 बजे, कितने घंटे के बाद ब्रेक डाउन, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे चली, यहाँ पहुँच गई 12 नून का टाइम हुआ था और ब्रेक डाउन हो गया। स्पीड क्या होगी यूजुअल और प्रेजेंट, 4/5 थी ना, 4/5, तो नीचे वाला यूजुअल होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 5 से कितना 4, या ये मेरी स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 से कितने यूनिट एक्स्ट्रा लगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट है, 45। तू 35 क्यों बोल रहा है, 35 45, अच्छा कान खराब हो गए मेरे, 45, तो 4 गुना 45 180,
कितने घंटे आगे, इसको लिख लिया मैंने 3 आवर्स। भाई ट्रेन में अगर कोई भी ब्रेकडाउन ना हो तो ट्रेन यहाँ से आगे जाने में कितना टाइम और लेती है, 3 घंटे। टोटल कितने घंटे आगे, 8 घंटे। तो ये 3 PM पर पहुंच जाती, कोई टाइम पूछे यूजुअली किस टाइम पहुंचती, तो आप बोलोगे 3 PM। और टोटल टाइम कितना लेती, तो आप बोलोगे भाई 7 बजे चली, 3 बजे पहुंची, तो कितने घंटे आगे। यहाँ तो कोई डाउट है, क्लियर है? मैथ आसान है ना, समझ में आना चाहिए। वैसे ऐसी कोई चीज़ है नहीं, आदमी का दिमाग बिल्कुल ही डब्बा गोल है, जोर देगा तो आ जाएगा। अर्थमेटिक तो आसान, हम रिलेट कर लेते हैं दिल्ली जयपुर, अभी चलेंगे एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, वो भी आसान, वो भी है। पर ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकता ना, दिल्ली से चला जयपुर गया, x की पावर 5 को ये कर लिया वो कर लिया, क्या एग्जांपल है? समझाऊंगा तो वहाँ भी कोशिश पुरजोर लगाएंगे। अर्थमेटिक तो मैं पहले बोलता था, इतना कुछ होता नहीं है। चलो आज फिर इसकी, ये कितने किलोमीटर आगे ब्रेक डाउन होते, 40। ये ट्रेन यहाँ ना रुक कर 40 किलोमीटर आगे आके रुकती यहाँ पर, तो स्पीड फिर 5 से 4 हो जाती। टाइम क्या हो जाता, कितने मिनट, कितना लेट, एक सौ मैं लिख सकता हूँ कितने, 2 आवर्स। भाई यहाँ से यहाँ तक बिना ब्रेकडाउन जाने का टाइम कितना लेती है, यहाँ से यहाँ तक लेती है 3 घंटे, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक यूजुअली 2 घंटे, तो कितना टाइम का डिफरेंस आया और डिस्टेंस का कितना गैप आ गया। तो ये स्पीड आ गई ना इसकी, जो 1 घंटे में ट्रैवल करती वही स्पीड होते हैं, कितना आ गया, 40 किलोमीटर। सही है बात, डिस्टेंस पूछा था, कुछ भी पूछ ले आ जाएगा ना आंसर। तो आपका डिस्टेंस आ गया स्पीड इंटू 40 इंटू कितना आ गया, कर दोगे ब्रेक डाउन कितनी बार भी हो सकता, पर मेरे को नहीं लगता तुम्हारे पेपर में इससे ज़्यादा कराएगा। चलो एक ट्रेन है दिल्ली से जयपुर के लिए निकली सुबह 7 बजे, और उबासी मतलब मेरे को आ जाती देख के, पहले गला खराब है, उबासी मेरे को देख के मत लेना, मेरे को आ जाती है और गला खराब रहता है तो ज्यादा आती है। दिल्ली से जयपुर के लिए निकली 7 बजे निकली, स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर जा रही है, दूसरी 8:20 पर निकली जयपुर से दिल्ली के लिए, स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, जब दोनों मिली आपस में तो फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन से 125 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करे। अब बता दो दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस क्या है। चलो बोर्ड पर देखना, अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक मैं समझाता हूँ एक तुम करना, ये ज़्यादा ठीक है, फिर उबासी ले रहा है, हदी हो गई यार। मैंने कहा था आंखें सूजी मिलनी चाहिए ना सोने से, ये थोड़े ना मुंह फाड़े रहना है बैठ के, और सामने बैठ के बैठ जा पीछे अच्छा रहेगा। दिल्ली जयपुर, यहाँ से ट्रेन चलती है 7 AM पर, स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आर। ये क्वेश्चन ही है अभी तक। वहाँ से ट्रेन चली 8:20 AM पर, 8:20 पर स्पीड क्या है, सही है। इसने कहा जब ये दोनों ट्रेन आपस में मीट हुई, फास्ट ट्रेन कौन सी है, तेज वाली यही है, इस वाली ट्रेन ने उससे टोटल 125 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करा था, सही है। इनका दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस बता दो, मैं इस डिजिट को अगर इस 125 पर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो चेंज कर दूंगा कैलकुलेशन ईजी के लिए। चलो हमने एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगी तो उनका ऐड हो जाएगा।
पर यहां पर क्या है ना, ये 7 बजे चल रही है और कितने बजे चल रही है, 8:20 तक इसको चला लेते हैं एक बार, सही है। फिर क्या होगा ना, उधर से वो भी चल पड़ेगी, इधर से ये भी चल पड़ेगी, और फिर हम उनको ऐड करते चलेंगे, एक ही टाइम पर चलाएंगे तो इजी रहेगा ना काम। 8:20 तक, 7 से लेकर 8:20 तक कितना टाइम हो जाएगा, 1 घंटा। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 20 बाई मिनट को घंटे में चेंज करोगे, और में तो 60 से डिवाइड, तो 1 बटा कितना आ गया, यह आ गया टाइम यहां से यहां तक का। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू, स्पीड कितनी थी और टाइम कितने किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 घंटे में 45 और 20 मिनट और है ना, 1/3 है घंटे का, 1/3 है, तो 15 और ऐड करा, 45 15 60। जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो लिखना नहीं पड़ेगा, मैं तो इसलिए लिख के समझा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता ना 60 हो गया तो मैं पल्ले ही नहीं पड़ता, आधे बोलते ये 60 कहाँ से आया भाई, 1 घंटे में चली 45, 20 मिनट 1 घंटे का 1/3 होता है, तो 45 का 1/3 ऐड करो, 45 में 60 हो गया। अब देखो इसने कहा जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन से 125 किलोमीटर ज़्यादा चलनी चाहिए जब ये आपस में मिलेंगी, टोटल 125 ज़्यादा चलनी चाहिए और कितनी ज़्यादा चल चुकी है, 60, तो कितना बच गया, 65 किलोमीटर और ज़्यादा चलना है, बोलो सही है। 10 का गैप, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए 120 कर देता हूँ इसको, 120 कर लो, आंसर तो उससे भी आना है, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 120 कर लिया तो आपने ये 120 ज्यादा चलनी थी, 60 हो गए, तो कितने बच गए। अब अगर ये ट्रेन इस ट्रेन से जब 60 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगी, जब भी मिल जाएंगे, सही है, तो ये ट्रेन इस ट्रेन से कितना ज़्यादा चलती है, देखना अब तुम्हारे दिमाग में पंगा क्रिएट होने वाला है। मैंने कहा रिलेटिव स्पीड ऐड होगी और मैं माइनस करूँगा, ट्रेन ये वाली ट्रेन 45 किलोमीटर चलती है घंटे में, ये कितनी चलती है, हर घंटे कितना ज़्यादा चल रही है, पर आर ज़्यादा चल रही है, कितने किलोमीटर ज़्यादा चलवाने हैं, जैसे 60 ज़्यादा चलेगी मिल जाएंगे, 60 किलोमीटर ज़्यादा चलवाने हैं, कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। मैं कह सकता हूं 8:20 के बाद 6 घंटे और चली होंगी और मिल गई होंगी, बोलो। अगर आपसे पूछे ये मिलेंगी कब, मीटिंग टाइम ये कब मिलेंगी, तो आप लिखोगे भाई 8:20 में 6 घंटे और जोड़ दो, 2:20 पर इनका मीटिंग टाइम है। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है, समझ में आ रहा है, नेगी छाप मत, छापने के लिए तो पीडीएफ मिलेगा और अगला क्वेश्चन मिलेगा तेरे को करने के लिए, डाउट वो पूछ ले। अब निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मुझे पता है कि ये दोनों 8:20 के बाद 6 घंटे मिलकर चली होंगी, वो इधर से और ये चली होंगी, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 45 प्लस दोनों मिलकर एक दूसरे कितने पास आ रही हैं, हर घंटे 80 किलोमीटर पास आ रही हैं, कितने घंटे के बाद मिलेंगी, तो मैं कह सकता हूँ 6 घंटे में कितना चलेंगी, तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस कितना है, 400। तो मैं कह सकता हूं टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 प्लस 500, मीटिंग टाइम भी आ गया, 540 किलोमीटर डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर अच्छा था,
जब होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको दे दूं, करो फटाफट। सेम क्वेश्चन है, पिछली क्लास में तुम में से बच्चों ने बोला था कि हमें भी दे दिया करो क्वेश्चन करने के लिए, हम बैठ के देखते रहते हैं। मैं कहा दे देंगे भाई, लो करो। ठीक है, करो सब करो। हाँ भाई, कितना आया? कुछ और आ रहा है? कितना? 1,600। कितना आधा आ रहा? कितना? 300। और किसका क्या है? 500। चार? कितना नहीं हुआ? कर फिर, कितना आया? ये तो बहुमत 504 पर ही आ रहा है, लोकतंत्र है, बहुमत से ही हुआ। कितना आया? 1,500। ये इतना गैप कैसे है? चलो मैं कराता हूँ, देखो भाई। दूसरी स्लाइड पर करा दूँ ना। 9 बजे चलिए, 72 की स्पीड, 10:30, 60 की स्पीड, 144। देखो बोर्ड पर देख लो, जिनका नहीं आया गलत हो गया वो देख लेना फिर कहाँ गलत हुआ और क्यों हुआ। ये दिल्ली है और ये है जयपुर। मैं जो जितना डिटेल लिख रहा हूँ आपको जो प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसने कर दिया, थोड़ा सा लिखा है, इतना सा लिखा, आंसर आ गया। जब आप प्रैक्टिस पर आओगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आधी डिजिट लिखनी पड़ती है, आधी नहीं लिखनी पड़ती। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी है। अभी यहाँ से 9 AM पर ट्रेन निकली, स्पीड की थी क्या थी इसकी? 72 किलोमीटर पर आवर। यहां से ट्रेन आई 10:30 पर और स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। वो 10:30 निकली, हम पहला काम क्या करते हैं, इसको 10:30 बजे तक चला देते हैं। कितना घंटा? 1.5 घंटा। 1 घंटे में 72, आधे में 36, 1.5 में आ गए 108। ये कैलकुलेशन ऐसे लिखनी पड़ेंगी, वहाँ पेपर में नहीं लिखना बार बार। 108 किलोमीटर चल चुकी है। इसने कहा जब दोनों मीट हुई तो एक दूसरे से कितनी ज़्यादा चली? 144। कितनी ज़्यादा चलनी बाकी रहेगी? 36 किलोमीटर। और ये दोनों आपस में, ये इस वाली ट्रेन उस वाली ट्रेन से 36 और ज़्यादा चलेगी। कितने बजे के बाद? 10:30 बजे के बाद। ये बात क्लियर है? ठीक है। ये चलती है 72 किलोमीटर, वो कितना चलती है? हर घंटे कितना ज़्यादा चल रही है? 12 किलोमीटर हर घंटे। कितना चलना है? कितने घंटे बाद? 3 घंटे के बाद मिल जाएंगी। 10:30 में यहाँ से
यहाँ पर जब ये मिलेंगे तो 3 घंटे के बाद मिल जाएंगी, तो मैं टाइम लिख लूँ इसका 10:30 में 3 घंटे और ऐड कर दो, 1:30 बजे मिल गई होंगी दोनों। आपसे पूछता मीटिंग टाइम, आप बोलते 1:30 बजे मिल जाएंगी, सही यहाँ तक? तो ये दोनों 1.5 घंटा और 3 घंटे और चली होंगी ना एक दूसरे के आपस में, 10:30 के बाद 1:30 बजे मिली हैं, तो इधर से ये चल रही है, इधर से ये चल रही है, और चलती रही होंगी एक दूसरे की तरफ, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? डायरेक्शन अपोजिट है तो बेहतर प्लस 100 किलोमीटर पर आर। कितने घंटे चलना है? 3 घंटे चलना है। कितना डिस्टेंस आ गया? 396 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल के आया आपका यहां से यहां तक का 396 किलोमीटर। पहले वाला कितना था? टोटल पूछा ना भाई, तो दोनों का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? आप लिखोगे भाई 108 प्लस ये आ गया 500, हो जाएगा, सही था। कहाँ एरर थी? माइनस ही नहीं करा? नहीं हाँ, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है वो, जब ये आपस में मिले, जैसे एक एरर ये होगी 144 में से 108 माइनस नहीं करा, वो इकट्ठा ही निकाल दिया। ये वाली ट्रेन टोटल उससे 144 ज़्यादा चलेगी, तो जब तक वो चली ही नहीं थी, जब तक तो ये 108 चल चुकी थी, तो हटाना पड़ेगा, टोटल 144 ज़्यादा चलाना है, सही है? बुरा बुरा लग रहा है? सिंपल चीज़ें हैं, दिमाग में घुसनी चाहिए। चलो अगला, अब आज यही करा है, हर टाइप के कितने क्वेश्चन? 2, एक तुम्हारा एक मेरा, इससे इजी हो जाएगा। चलो, ए बस इज ड्राइविंग इन द फोग, कोहरे में एक बस चल रही है, सर्दियों में ऐसी फीलिंग आती है, होती है ना, तुम चल रहे हो पैदल, सामने ही जा रहे हो, पीछे से एक बस आई, वो भी सामने जा रही है, तो कुछ डिस्टेंस की विजिबिलिटी होती है, मान लो 100 मीटर तक आप देख सकते हो, 100 मीटर तक कोई चीज़ देखिए कोहरे में, उसके बाद देखना बंद हो जाती है, यही कह रहा है ये। एक बस आ रही है, एक आदमी जा रहा है, क्या स्पीड आदमी की? 3 किलोमीटर पर आर। सामने जा रहा है, पीछे से बस आई और उसको क्रॉस कर गई, उसकी विजिबिलिटी कितनी देर है? 100 मीटर। कितना और कितने मिनट तक देख सकता है? 4 मिनट तक, होता ना, दो ही चीज़ें होती विजिबिलिटी में, या तो आप टाइम नोट करो कि आपको कितनी देर तक देख पाए उसको, या आप उसका डिस्टेंस, दोनों चीज़ बता दी। एक लड़का, एक आदमी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे से बस आई, बस उसको क्रॉस करके, कोहरा था, तो उसने देखा कि वो बस को देख पा रहा है 4 मिनट के लिए, और उसकी विजिबिलिटी कितने मीटर की है? 100 मीटर की। बस की स्पीड बता दो। क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? चलो, तो देखो मेरा मकसद है कम को पढ़ा के परसेंटेज में ज़्यादा सिलेक्शन देना, 10,000 को पढ़ा के 10 सिलेक्शन तो दुनिया देती है, पर अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है, क्लास में 50 बैठे, 50 में से 40 तो लगवा ही देने हैं एक बार में, पढ़ लेना मेरे अकॉर्डिंग, लग जाओगे, ये पक्की बात है। वो तो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा ना टेस्ट में इम्प्रूवमेंट, सबसे अच्छा आईना टेस्ट है, तुम कुछ भी पढ़ते हो उसका टेस्ट दो, कौन सा टेस्ट जो प्रीवियस ईयर में आया है, अगर तुम कर रहे हो और तुमसे हो रहा है तो तुम ठीक ट्रैक पर हो, और अगर नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। देखो ये आदमी था, चलो आदमी को आदमी जैसा बनाए, अच्छा तुम पेपर में आदमी मत छापने लग जाना, है ना, ये आदमी इधर जा रहा है, अब जैसा भी है यार आदमी तुम्हें छापना ही नहीं, मैंने ऐसा तो बना दिया, बस आई बस, और ये भी इधर जा रही है, विजिबिलिटी है 100, टाइम है 4 मिनट का। अब एक बात बताओ, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होनी, ये बात क्लियर है? ये हम मान के चल रहे हैं कि दोनों की स्पीड डायरेक्शन सेम, तो कंफर्म है। अब ये आदमी, आदमी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आर, अब तक मैंने ऐसा कुछ लिखा जो तुम्हें पेपर में लिखना था,
हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से और यहीं पर ख़त्म कर देंगे। 3 किलोमीटर पर आवर को लिख सकता हूँ 3000 मीटर कितने मिनट में, 60 मिनट में, क्योंकि ये टाइम किस में दे रखा है तो हम मिनट पर चलेंगे। मैंने उस दिन भी सिखाया था, ज़्यादा फॉर्मूले में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और 4 मिनट में कितना ये लिख दिया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, बोलो कितना मीटर। ये आदमी 4 मिनट तक उस बस को देख सकता था, तो 4 मिनट तक ये चलता भी तो रहा उस डायरेक्शन में, तो आदमी पैदल कितना चला, 3 किलोमीटर की स्पीड है 200 मीटर चला, सही है 200 मीटर तो ये चला, और उसकी विजिबिलिटी भी कितनी है। तो मैं कह रहा हूँ बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 प्लस, क्योंकि 4 मिनट के बाद दिखना बंद हो गया था। बस ने कितना कवर किया, कितना टाइम, 4 ही मिनट है। इसने कितना करा, अच्छा इसकी स्पीड कितनी थी, 200 की वैल्यू 3 है तो 300 की वैल्यू 4.5, डेढ़ गुना हुआ ना इसका। वैसे भाई पेपर में ऐसे निकलता है, लिख के नहीं निकलता। आपने देखा 200 मीटर चलाइए और इसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर। ये कितनी चली बस, 200 का डेढ़ गुना है ना, तो इसका भी डेढ़ गुना स्पीड कितनी आ जाएगी, आंसर आ गया। मैंने कहा था एक ही स्टेप का है, समझ में आना जरूरी क्वेश्चन। या आप ऐसे कर लो, 300 मीटर चली बस, कितने मिनट में चली और कितने मिनट में चलानी है, किलोमीटर पर आवर होता ना, 4 मिनट में चली 300, 1 मिनट का आ गया और घंटे में लाने के लिए 60 से, तो यह आया 4500 मीटर। किलोमीटर कितना हो जाएगा, सही है, कोई डाउट है। देखो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फंडा ये है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं था ऐसा। तेरा क्या नाम है, हाँ हाँ तेरा सागर, तेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे को पता है, एक तेरे को नहीं आ रहा नाम बता, आज़ाद, तेरे को आज़ादी क्यों नहीं मिल रही, नहीं आ रहा, टफ लग रहा है, ये तो आज ही आया है। मैं जो बोल रहा ना उन शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है, इस पर लिखा बहुत कम जाता है और बोला ज़्यादा जाता है। ये फैसिलिटी रिकॉर्डिंग की तुम्हें मिल गई 2020 से पहले, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना उनको इतना ही मिलता था, फिर घर चले जाते थे कॉपी में लिख के, जो याद है वो याद और जो भूल गए वो काम खत्म। पर तुम्हारी ये है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है, हो रहा ना रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डेड है, और दोबारा से देख सकते हो, फिर देख लेना भाई। और इसको डाउट हो तो मैं नीचे बैठे रहता हूँ, तुम ऊपर लाइब्रेरी में हो, क्लियर है। अगला दूँ, ये तो कर देना और फटाक से आंसर आना चाहिए, 2-4 वर्ड लिखने हैं। आठ किलोमीटर पर आवर बहुमत से करेंगे, डेमोक्रेसी है, निकालो आंसर सब। आया, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, विचलित हो गए मतलब कि समझ में, ज़्यादा हड़बड़ाहट मत मचाओ। कितना है आपका, वो फिर मिक्स हो गया ना, तुम जितना जल्दी सोच रहे थे उतना होश पोच। फिर समझा रहा हूँ, ये आदमी की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर लिख लिया क्योंकि मिनट में चला ना,
यानी 4000 मीटर कितने मिनट? 60 मिनट। कितने मिनट तक चला? 3 मिनट तक। तो इसने कवर करे, बोलो, ये आदमी 200 किलोमीटर चला पैदल। विजिबिलिटी कितनी है? 400 मीटर। तो प्लस 400, अच्छा इसमें ट्रेन और ऐड कर दी, तो 600 मीटर भाई, 200 मीटर तो ये चला, 400 इसने देखा। अब ट्रेन की लेंथ भी तो है, देखो थोड़ा चेंज कर दिया इसने, ये आदमी है, ट्रेन यहाँ आई, इसको पहली बार ये इसका सामने का दिखा, सही है। अगर पीछे से आई तो ये मान के चलते हैं, जब इसकी साइड में आएगी तभी देखेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, पीछे मुड़ के देख ले तो 400 मीटर और पीछे हो जाएगा, भाई आप चल रहे हो, एक तो चीज़ आपकी साइड में आए तब आपने देखा, और एक कहीं पीछे मुड़ के देख लिया तो पीछे कितना देखेगा? 400 और देखेगा, वो तो क्वेश्चन पर कुछ भी लिख देगा, पर हम ये मान के चल रहे साइड से आए तो साइड में ही देखा। तो ये ट्रेन यहाँ आई तब देखी इसने, और ट्रेन कब तक दिखेगी? ट्रेन की लंबाई भी तो कितनी है, देखो ये ट्रेन यहाँ चलते 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 ऐसे पहुँच गई, तो ये इसकी विजिबिलिटी है 400, सही है। पर ट्रेन यहाँ से चली और जब यहाँ पहुँची तब तक का डिस्टेंस है ना, तो ट्रेन की लेंथ भी इंक्लूड होगी ना, 200। बोलो, चेंज हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये तुम फंस गए इसमें, 200 तो ये हो गया, 600 मीटर तो इसका ये बन गया, और जो आदमी खुद से चला वो भी तो जुड़ेगा। ये ट्रेन की लेंथ, ठीक है, ये थी विजिबिलिटी। 800 मीटर ट्रेवल करा ट्रेन ने कितने मिनट में? कितना मिनट था? 3 मिनट। तो 60 मिनट में 16,000, 16 किलोमीटर, समझ में आया क्या हुआ? भाई ट्रेन की लेंथ है, लेंथ दे दी, मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो आप ऐसे चल रहे हो, आपकी विजिबिलिटी 400 मीटर है, तो ये आगे 400, आप पैदल चले और आपकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर, तो 4000 मीटर कितने मिनट में? और कितने मिनट तक चलते रहे आप? तो कितने मीटर? तो 200 ही आ गया। ट्रेन आई और ट्रेन आपको 400 मीटर तक आप देख सकते हो ट्रेन को, तो ट्रेन यहाँ जब अगला हिस्सा आया ट्रेन का तो ये था, पर देखोगे तो कौन सा हिस्सा देखोगे? एंड देखोगे। और उस ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये ट्रेन यहाँ थी, जब ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी तब देखोगे ना इसको, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? वो अपनी लेंथ भी कवर करी, प्लस जो विजिबिलिटी है 400 वो कवर करा, और प्लस जो बच्चे ने चला था जो आदमी वो कवर करा, समझ में आया? टोटल कितना हो गया? कितने मिनट चला था? 3 मिनट चला, 3 मिनट विजिबिलिटी थी उसकी, तो 3 मिनट में ट्रेन ने कवर कर दिया 800, तो 16 किलोमीटर पर आवर, बहुत हो गया आज के लिए, और कराऊं? ये अगला सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा देखना पढ़ के। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 50% ऑफ द डिस्टेंस द मैन कैन सी अप टू। विजिबिलिटी का कितने? विजिबिलिटी तो इसकी लेंथ कितनी है? कर दोगे हो जाएगा, सेम है ये होमवर्क, समझ में आया? अगली क्लास में अभी ट्रेन खत्म नहीं हुआ है, और लाएंगे अभी, पर अगली क्लास में ट्रेन के साथ ऐड कर लेंगे, रेसिस को ऐड कर लेंगे या बोट एंड स्ट्रीम को, दो पार्ट और हैं, ट्रेन है, रेसिस है और बोट एंड स्ट्रीम है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होता है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।